आज का दिन हमारे यूएई ट्रिप का आखिरी दिन था, सो ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए शॉपिंग के लिए। फ्रॉम स्ट्रीट शॉपिंग टू मॉल्स, आपको इस वीडियो में दुबई के शॉपिंग प्लेसेस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। एट फर्स्ट वी वेंट टू द मीना बाजार इन बर्द दुबई। दिस बाजार इज फेमस फॉर इट्स अफोर्डेबल साउथ एशियन इंस्पायर्ड फैब्रिक्स, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट एंड फूड। और इधर आपको सारे बड़े ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपी मिल जाएंगे। दिस मार्केट इज अ क्लस्टर ऑफ शॉप्स स्प्रेड अक्रॉस सेवरल स्ट्रीट्स, और हर स्ट्रीट आपको एक जैसा लगेगा। मीना बाजार को दुबई का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। इस जगह में शॉपकीपर से बात करने के लिए आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ईदर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर आपको किसी के लिए कोई सुवेनियर लेना है, then this market is the best place। यहाँ आपको बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब या बाकी सारे दुबई के फेमस जगहों के शो पीसेस काफी कम रेट में मिल जाएंगे। Now let's head to some tourist attractions। दुबई बोलने से या सोचने से ये आर्किटेक्चर आपके दिमाग में जरूर आया होगा। सो नाउ वी आर एट द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दिस आर्किटेक्चरल मार्वल टुक 6 इयर्स टू बी कंप्लीटेड एंड इट वाज ओपन टू पब्लिक इन द ईयर 2022 इन द मंथ ऑफ फरवरी। यहाँ घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा एंड द टिकट प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 3500 रुपीज। सो नाउ लेट्स गेट इनसाइड टू एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेट्स गो। We collected our already booked tickets from the counter. For your information, आपको यहाँ के slots pre-book करने ही पड़ेंगे, वरना tickets मिलने में दिक्कत हो जाएगी। Exploring the Museum of Future is like going on a journey into tomorrow. ये जगह अपने innovation, creativity और forward thinking के वजह से दुबई क्या पूरे दुनिया में मशहूर है। यहाँ आप स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या सस्टेनेबल लिविंग हो या तो हेल्थ केयर हो, हर चीज के फ्यूचर और आगे आने वाले क्राइसिस के इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में पता कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक सर्जरीज और ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स कैसे हेल्थ केयर में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, दैट यू गेट टू नो हियर। And then we engage with humanoid robots to artificial assistance. Last में बारी थी line में लग के the Museum of the Future के eye area में जाने की। यहाँ से आपको New Dubai का city view देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा मेहनत करिए, पर इस जगह को बिल्कुल skip मत करिए। आ गया था अब इधर से निकल के टू गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। द डेरा सिटी सेंटर, और यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए काफी अच्छे अच्छे मिड टू हाई रेंज प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर।
in the Deira city center. Let's go. So this mall has a total of 370 stores with a variety of electronics, apparels, cosmetics, toy and jewelry stores. Retail outlets include Zara, Hollister, Massimo Dutti to name a few. I tried a few makeup products. The results were really good, but those were expensive. So, इधर से शॉपिंग करने से बेहतर है आप इंडिया में ही ऑनलाइन शॉपिंग पे डिपेंड कर लो बट डू मेक श्योर टू विजिट द मॉल. वो कहते हैं ना, यू शुड ऑलवेज सेव द बेस्ट फॉर लास्ट. Now we are at the Dubai Mall and Burj Khalifa. You get to see the Dubai Aquarium and Underwater Zoo inside the mall, which is the largest mall in Dubai. And the only entry point to the Burj Khalifa is through the Dubai Mall. Finally, we are at the place for which Dubai is known for, the magnificent Burj Khalifa. This is the world's tallest building and we are at the observation deck of Burj Khalifa jo ki 124th floor pe hai and we are getting a panoramic view of the entire Dubai city. Ab bari thi dekhne ki the Dubai fountain. These are the choreographed fountain systems on the Burj Khalifa lake. These performances take place every 30 minutes from 6 pm to 10 pm on weekdays and 6 pm to 11 pm on weekends. म्यूजिकल फाउंटेन के खत्म होते ही उसके ऑपोजिट साइड में यू गेट टू सी द लाइट एंड साउंड शो ऑन द बुर्ज खलीफा. ये शो हर 30 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तक चलता है एंड इट स्टार्ट्स एट 7:45 पीएम एंड रन 6 टाइम्स अ डे. So that was it for today's video and UAE travel series. Do hit that like button and subscribe to my channel. Agle video mein mulaqat hogi ek naye shahar se. Till then, goodbye.